हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टिचिंग मेड इजी। आज हम जो गले का डिज़ाइन बना रहे हैं आपने थंबनेल में देख लिया होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें अब ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक पीस ली है बुकरम का, ये 8 इंच चौड़ाई में है और 9 इंच इसकी लंबाई है। इसके गले की कटिंग करेंगे। इसे मैंने कपड़े के साथ प्रेस करके चिपका लिया। अब इसे फोल्ड करते हैं। और 3 इंच इस तरफ से ऊपर से और गहराई में 6 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह। और इसे इस तरह गोलाई दे देंगे। गोलाई भी ऐसी के वी शेप ही आए नीचे से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसे फ्रंट पीस के साथ लगाकर इस तरह पिनअप कर लेंगे। ये इसका शर्ट का सेंटर है, ये नोक बिल्कुल सेंटर में आए। अब इसे सिलाई लगाएंगे। अब इसके अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा छोड़ के इस तरह कटिंग कर लेते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे कट लगा लें। अब इसे अंदर की तरफ मोड़ के सिलाई लगा लें। इसे इस तरह थोड़ा थोड़ा अंदर मोड़ के सिलाई लगा लेते हैं।
पैटर्न जो मैंने मोड़ा है और उसको पिन लगा ली है। सिल्क का कपड़ा है और ये बहुत स्लिप होता है, इसे आराम आराम से सीना पड़ता है। चलिए अब मैं सिलाई लगा दूंगी, बाहर की तरफ से लगाऊंगी सिलाई। ये अंदर आ जाएगा और ये बाहर की तरफ। गले की शेप तैयार हो गई है, अब इसे इस तरफ निशान लगाएंगे। ये जो आपका आर्म होल है इसके यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक 5 इंच छोड़ के इस तरह निशान लगाएं और यहाँ से इधर आ जाए निशान लगाते हुए ऐसे। यहाँ से लेके यहाँ तक 5 इंच छोड़ के इधर चले जाना निशान लगाते हुए। अब इसके ऊपर डिज़ाइन बनेगा, ये गले की शेप तैयार हुई है, अब इसके ऊपर डिज़ाइन बनेगा। उसके लिए मैं दूसरा कपड़े का पीस लूँगी, रेप पट्टी की तरह फोल्ड करके ऐसे इस तरह फोल्ड करके इसकी कटिंग करनी है। एक पट्टी ये और एक और बनानी है अभी। अब इसे सिलाई लगाते हैं, लंबा पखिया करके सिलाई लगा लेते हैं। अब पहले गले पे छोटी पट्टी लगाएंगे, ये छोटी है, इसे इस तरह लगाना है, ये देखिए ऐसे ऐसे इसे रखना है गले की सीधी तरफ, इस तरह रख के इस तरफ से सिलाई लगानी है, ठीक है। ये नीचे का कपड़ा थोड़ा ढीला रखें, यहां सेंटर से आगे निकाल लें इसे। ये इस तरह हमने लगाया है और इसने इस तरह मुड़ के इस तरह आना है। इसे यहाँ से काट लेंगे, इतना तकरीबन 1 इंच छोड़ के यहाँ से काट लेंगे।
और इस तरह फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, अब ये बड़े वाली पट्टी, इसको भी उसी तरीके से लगाना है। ऐसे इसके ऊपर रखें और इसे पलटा लें और यहां सिलाई लगाएं। ये मैंने पहले भी बताया है कि ये नीचे वाला कपड़ा थोड़ा ढीला रखना है और इस तरह गले की सिलाई लगानी है। और इसे इस तरफ कर लें। अब इस तरफ से सिलाई लगाएंगे। पहले दूसरी तरफ से गले की बैक साइड से लगाइए, अब इसे ऐसे इस तरफ से सिलाई लगाएंगे। जहां से सिलाई छोड़ी है वहीं से शुरू करते हैं और ये निशान पहले ही लगा लिया था, इसके ऊपर रख के इस सिलाई को इस तरह सीना है। इसके बाल वगैरह साथ साथ निकालते जाएं। ये इस तरह से पीछे से आएगा और सामने से ऐसे। अब यहाँ सिलाई लगाती हूँ या इसे प्रेस कर लेते हैं। अगर सिलाई नहीं लगानी तो प्रेस कर लेते हैं। इसे पलटा के इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है। अब दो दो इंच के फासले पे इस तरह निशान लगाते हैं ऐसे। ब्लू चौक ले रही है, नहीं नजर आ रहा। ये देखिए, ये मैंने दो इंच के फासले पे इस तरह निशान लगाया, दो इंच के फासले पे। ये ऐसे अब इसे ऐसे ऊपर इसे पकड़ना इस तरह और यहाँ से ऐसे छोटे छोटे टांके लगाने।
इसके अंदर अंदर से धागा ले जाके यहाँ से दूसरे निशान से निकालेंगे और यहाँ से भी इस तरह छोटे छोटे टांके लगाएंगे। कोशिश करें यही सा थोड़ा सा ढीला रहे ताकि गुलाई ठीक आए। अब इसे नीचे ले जाएं सूई को। अब गले के दूसरी तरफ आते हैं। ये जहाँ जहाँ निशान लगाया है सब इसी तरह तैयार कर लेंगे, टांके लगा के इसी तरह तैयार कर लेंगे।